25 नवेम्बर 2014 रे गोटे दुर्घटना घटी क्रिकेट जगत रे जहाँकि अतुलनीय कहजिबो कारण फिलिप ह्यूज को मुंड रे बाजी एक बाउंसर जहाँ परे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड रे से टली पड़े सेफिल्ड शील्ड मैच चली गोटे बॉल आसी बाजी फिलिप ह्यूज को मुंड रे एवं से तले टली पड़े और हॉस्पिटल को चिकित्सा चली चिकित्सा दिन भाव में मृत्यु घटी क्रिकेट जगत पर यह एक दुखद खबर थी किंतु आपण कौन जानी बॉलिंग करथिबा बॉलर किए तबे आसंतु जानिबा बॉलिंग करथिबा बॉलर किए से बॉलर जनक होउचंती ऑस्ट्रेलिया पई प्रथम वनडे रे खेलिथिबा सीन एबॉट जिए कि सेफिल्ड शील्ड मैच रे बॉलिंग करथिबा बेले तांकर गोटिए घातक बाउंसर बॉल करथिले फिलिप ह्यूज को एवं जहा जाई बाजीथिला फिलिप ह्यूज को बेकरे एवं से हटात तल को टली पड़े पर किसी मीडिया रे चर्चा चली से जाशु एमती बाउंसर मारी बोली चर्चा आसी कि रिव्यू करा जाइथिला कोर्ट द्वारा शेष प्रमाणित है जे यह एक मैच रो एक अंश थिला जहाँकि सीन एबॉट कर किसी सेथिरे हाथ नथिला से रेगुलर बॉलिंग करिबा भली तांकु एक बाउंसर मारिथिले किंतु हेलमेट रे प्रोटेक्शन नथिबा कारणरु तांको कांधरे जाई बाजीथिला कांध नहे बेकरे जाई बाजीथिला जहाँकि से मृत्युमुखरे पड़िथिले परवर्ती समय रे हेलमेट रो पछरे गोटे गार्ड दियागला जहाँकि प्लेयर को सुरक्षा पाई कारण भविष्य रे एमती कौन सी प्लेयर को साथी न हो आईसीसी एक नियम प्रणयन कला समस्ते हेलमेट रो पछ भाग रे गोटे गार्ड लगेबा दरकार जहाँकि सुरक्षा दे पार मुंड को।